मिनी कूपर कन्वर्टेबल एक लग्जरी कन्वर्टेबल कार है जो कि काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में देखने को मिलती है। इसकी प्राइस है 35 से 36 लाख रुपीस के करीब, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के टॉप वेरिएंट की प्राइस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के ही प्राइस में एक लग्जरी ब्रांड की कन्वर्टेबल कार देखने को मिलती है। कन्वर्टेबल कार यानी कि हजारों लोगों का सपना होता है कि एक कन्वर्टेबल कार हम ले लें। कन्वर्टेबल कार की बात करें तो कन्वर्टेबल कार में आपको जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अपर कंपनी में होते हैं, जैसे कि BMW Z4 और ऑडी कन्वर्टेबल, जो कि करीब 60 लाख रुपीज से भी ज़्यादा प्राइस रेंज में आने वाली कन्वर्टेबल कार है, और उसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वो पर ईयर आपको 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का कॉस्ट कर देती है, जबकि मिनी कूपर कन्वर्टेबल ओनली 35 से 36 लाख रुपीस में आने वाली एक हाई रेंज हाई परफॉर्मेंस कार है। तो इस कार के कुछ फीचर्स की हम आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार में आपको देखने को मिलता है 1998 सीसी का एक 4 सिलेंडर इंजन, जो कि एक 2 लीटर का इंजन है। इसमें आपको साथ में देखने को मिलता है 16V टर्बो चार्जर, जो कि इंजन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। यही इंजन पावर प्रोड्यूस करता है करीब 189 BHP एट 5000 to 6000 RPM को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका टॉर्क है करीब 280 Nm एट 1250 4600 RPM। ये तो हो गई इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसमें आपको जो बूट स्पेस देखने को मिलता है, ये बूट स्पेस है करीब 250 लीटर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अगर टोटल कार्ब वेट की बात करें तो इसका वेट है 765 kgs। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 144 नैनोमीटर, जो कि अदर कन्वर्टेबल कार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें 2 डोर्स है, पर इसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 है, मतलब इसमें 4 लोग आराम से मुसाफरी कर सकते हैं। अब इसके व्हील्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो व्हील्स है वो है 16 इंचिस के, जो कि इसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। साथ में ही इसमें आपको काफ़ी एट्रैक्टिव लुक वाले अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें चारों टायर में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है, जो कि आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में नहीं देखने को मिलती। और इसी के साथ में आपको इसमें ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इस कार में आपको 12 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो 12 ही कलर ऑप्शंस आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो हाँ, इसका प्राइसिंग एक्स शोरूम दिल्ली 36 लाख रुपीस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आप टोयोटा फॉर्च्यूनर के ही प्राइस में अपने कन्वर्टेबल कार का सपना भी पूरा कर सकते हैं, और इसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप करीब 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में है, जो कि अदर कन्वर्टेबल कार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।